बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस वीडियो में एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। ये दो क्वेश्चन हम मैंने बॉलस्टेड बुक से सॉल्व किए थे, क्वेश्चन नंबर 10A और क्वेश्चन नंबर 13। तो अब इस क्वेश्चन में सिर्फ एक डायोड कंडक्ट करते हुए दिखाया गया है, जबकि इस क्वेश्चन में दोनों डायोड कंडक्ट करते हुए दिखाया गया है। और ये जाहिर है डाउट होने वाली बात है। बांग्लादेश से एक स्टूडेंट ने ये सवाल उठाया कि ये कैसे हुआ और इसको एक्सप्लेन करें। तो मुझे तो ये किसी बुक में एक्चुअली एक्सप्लेनेशन नहीं है, लेकिन मुझे काफ़ी सर खपाना पड़ा इसके लिए, और सिमुलेशन सर्किट के मदद से मैंने जो भी रिजल्ट निकाला है वो अभी आपके सामने मैं रखता हूँ। इस पर गौर करिए, देखिए, फिर मुझे बताइए। तो अब ये दोनों सर्किट्स हैं, पहले इनको मैं अपने हिसाब से इसको टर्न कर लेता हूँ ताकि मुझे जिस तरह आसानी लगे इसको मैं ज़रा टर्न कर लिया। अब ये मुझे इसको देखने में या सॉल्व करने में आसान लगता है। बाकी पैरामीटर सारे वही हैं। यहाँ पे देखिए, एक सिलिकॉन डायोड है और एक गैलियम आर्सेनाइड डायोड है, और उसी तरह इस सर्किट को भी मैं टर्न कर लूँगा। तो ये इस तरह हो गया। अब इसको शक्ल को थोड़ा सा चेंज कर दें ताकि इससे मिलते जुलते शक्ल में ही आ जाए, तो वो इस तरह से हो जाएगा। देखिए, बाकी वैल्यूज सारे सेम है, वही सिलिकॉन गैलियम और सॉरी यहाँ पे गलती से 12 लिखा गया है, ये 10 वोल्ट है। एनीवे हम आगे चलते हैं, और उसके पैरामीटर में कोई तब्दीली नहीं होगी इस गलती से। और एक चीज़ और ये जहन में रहे कि जिस सिलिकॉन डायोड, आपको ये यकीनन पता होगा कि इसको टर्न ऑन करने के लिए 0.7 वोल्ट चाहिए होता, जर्मेनियम के लिए 0.3, यहाँ जर्मेनियम है नहीं, और थर्ड जो है वो गैलियम आर्सेनाइड, इसको 1.2 वोल्ट चाहिए होता। तो हमारे दोनों केस में गैलियम आर्सेनाइड डायोड है। तो अब इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए अब हम पहले सर्किट को इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। अब ये जैसे हमने कहा कि सिलिकॉन के लिए 0.7 वोल्ट चाहिए, और हम आमतौर पे यही करते हैं कि जो डायोड फॉरवर्ड बायस हो उसको 0.7 वोल्ट के बैटरी से हम रिप्लेस कर देते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए, पॉजिटिव 12 वोल्ट हो जो कि दोनों डायोड्स के पॉजिटिव एंड को टच कर रहा है, तो असूलन दोनों को फॉरवर्ड बायस होना चाहिए, लेकिन चूंकि ये 0.7 पे होता है तो हम पहले इसको हम कंसिडर कर लेते हैं कि ये ऑन है। अच्छा, इसको हमने बैटरी से रिप्लेस कर दिया। अब इस पॉइंट पे वोल्टेज कितना होगा, वो जाहिर है यही वोल्टेज है, तो इसको हम इस तरह से शो करेंगे कि यहाँ पे 0.7 वोल्ट है। तो इसको हम ये भी कह सकते हैं कि ये वोल्टेज लॉक हो गया, अब इससे ज़्यादा ये वोल्टेज बढ़ नहीं सकता, चाहे इनपुट जितने मर्जी आप ज़्यादा दें, बिकॉज ये इस बैटरी ने या इसने इसको फिक्स कर दिया। और जब यहाँ पे 0.7 वोल्ट हो तो ये डायोड ऑन नहीं हो सकता, बिकॉज इसके लिए हमें 1.2 वोल्ट चाहिए। तो यही वजह है कि हम इसको ऑन रखते हैं और इसको कहते हैं ये ऑफ है, और आमतौर पर हम इसको क्रॉस कर देते हैं या अक्सर स्टूडेंट्स इसको निकाल देते हैं सर्किट से, तो ये सर्किट सिर्फ हमारा रह जाएगा। अब ये क्वेश्चन मैं इसका आपको लिंक इसका दे दूंगा, अगर आप चाहते हैं तो उस क्वेश्चन को गौर से आप देख सकते हैं। अब आ जाते हैं हम दूसरे सर्किट पे। दूसरे सर्किट पे भी ये यहाँ पे मैंने एक वोल्टेज सोर्स लगा दिया है, बैटरी लगा दी है 12 वोल्ट को। इस फॉर्म में मैं लिखता हूँ ताकि यहाँ से KVL इक्वेशन लिखने में मुझे आसानी हो। दूसरा काम ये किया कि जैसे यहाँ पे हमने सिलिकॉन को रिप्लेस कर दिया था 0.7 से, तो यहाँ पे भी पहले हम सिलिकॉन को रिप्लेस कर देते हैं 0.7 से। अब जैसे हमने यहाँ पे देखा कि ये 0.7 पे लॉक हो गया, अब यहाँ पे देखना है कि ये कितने पे लॉक होगा। अब इसको लॉक होने के लिए जो वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पे है उसका भी इसमें रोल होगा, तो इस वोल्टेज ड्रॉप को हम मालूम करेंगे। उसके लिए हम KVA इसका नाम हम दे देते हैं V2KR फॉर राइट साइड। अब हम KVL इक्वेशन लिख लेंगे ताकि हम ये वोल्टेज मालूम करें। अच्छा, अब ये वोल्टेज V1
दिस प्लस जो वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पे इनको मिला के ये V1 होगा और इसके असर से ये डायोड ऑन या ऑफ होगा। तो KVL हम चलते हैं जी यहाँ से, यूँ हम चल माइनस से शुरू हो रहे हैं, माइनस 12 फिर प्लस 0.7 फिर I1 इंटू 2K और फिर ये I1 इंटू 2K और यहाँ से हम I1 के वैल्यू निकाल लेंगे। तो I1 निकलाया, अब हम V2 के आर वोल्टेज मालूम कर लेंगे, I1 मल्टीप्लाई बाई 2K तो ये हो गया 5.65। अब 0.7 यहाँ है, 5.65 यहाँ है, तो ये टोटल वोल्टेज इन दोनों को ऐड करके आ जाएगा, तो V1 इज 6.35 वोल्ट। अब जब यहाँ पे 6.35 वोल्ट हो और इसको सिर्फ 1.2 वोल्ट चाहिए ऑन होने के लिए, तो ये डायोड भी ऑन हो जाएगा और इसीलिए हमने जो सवाल किया है इसमें क्वेश्चन 13 में, इसमें दोनों को ऑन शो किया गया है और उसको सॉल्व किया गया है। तो ये हम कह रहे हैं कि चूंकि अब ये वोल्टेज ज़्यादा है, देयरफॉर गैलियम आर्सेनाइड विल आल्सो कंडक्ट। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ और गौर करना है कि इस रेजिस्टेंस के वैल्यू चेंज करने से कंडीशन में क्या फर्क पड़ता है। तो एक एक्सट्रीम केस मैं ले रहा हूँ और वो एक्सट्रीम केस ये है कि बजाय के 2K के यहाँ मैंने 50 ओम रेजिस्टेंस लगा दिया, यानी 0.05 किलो। अब इसका असर क्या होगा, तो हम एग्जैक्टली वही टेक्निक फॉलो करेंगे जो पिछले स्लाइड में किया है, ये वोल्टेज निकाल लेंगे और फिर टोटल वोल्टेज पता करेंगे। तो अब ये V1 कितना होगा इस केस में, वही तरीका हमने KVL यहाँ से लिखना शुरू किया, ये लूप लेकर आ गए और I1 मालूम कर लिया और फिर V2 के I1 इंटू रेजिस्टेंस, तो ये हो गया 0.275। तो अब 0.275 और 0.7, तो टोटल V1 कितना हो गया इन दोनों को ऐड करके 0.975 वोल्ट। अब 0.975 वोल्ट यहाँ अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे हमें 1.2 चाहिए, तो इसलिए ये डायोड ऑन नहीं होगा इस केस में, बिकॉज ये V1 के वैल्यू कम है, 0.975 है। तो ये चीज़ ध्यान में रखना होगा कि ये रेजिस्टेंस जो है वो डिटरमिन इसके वैल्यू जो है विल डिटरमिन कि कौन सा डायोड ऑन होगा या कौन सा ऑफ होगा। तो उम्मीद है आप इसको फॉलो कर पाए होंगे। मैं ये दोनों वीडियोस के दोनों क्वेश्चंस के लिंक दे दूंगा, अगर आप उन क्वेश्चंस को देखना चाहें, समझना चाहें, तो उसको भी आप देखिए और अपने दोस्तों यारों में इस वीडियो को शेयर करिए, अपने कमेंट्स कीजिए और सब्सक्राइब भी कर लें तो अच्छी बात है। शुक्रिया।